आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जाति की जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जाति की जनगणना शुरू होगी, जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में ओबीसी का, 27% तक आरक्षण की मांग लंबे से चली आ रही है, उसको हम पूरा करेंगे। और 6% मूल ओबीसी है उसके लिए अलग से रिजर्व कर देंगे। इस प्रकार की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर हम कोई कमी रखने वाले नहीं है। और राहुल गांधी जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार आपने झंडा गाड़ रखा देश के अंदर, एकमात्र आप ऐसे नेता हैं जो उन शक्तियों का मुकाबला कर रहे हैं जिनका लोकतंत्र यकीन नहीं है, जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। आज पूरा देश चिंतित है, एजेंसी को दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशियल दावा है, सब कुछ मालूम है। राजस्थान प्रदेश आपको विश्वास दिलाता है, इस बार जो हमने गवर्नेंस की है, इस बार जो हमने फैसले किए हैं, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया है, देश में कहीं पे नहीं है, कई कानून हमने पास किए जो देश में कहीं पे भी नहीं है। जनता समझ चुकी है, अब चाहे किसी धर्म की बात करे, जाति की बात करे, भड़काने की बात करे, इस बार राजस्थान की जनता इनके बुराए मानने वाली नहीं है। राजस्थान जनता ने तय कर लिया है, इस बार आपके आशीर्वाद से, आपकी जो भावना भारत जोड़ो यात्रा की है उसका आधार बने के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार वापस सरकार रिपीट होगी, ये मैं आपको विश्वास कह सकता हूँ।